नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण एक इन्फॉर्मेशन आई है, तो आप सभी वीडियो पर जरूर बने रहिए। तो आज 27/6/2021 का ये पेपर है और इसमें बताया गया है कि इस साल जो है 30 परीक्षाएं कराएगा आयोग, यानी कि MPPSC जो आयोग है वो लगभग 30 परीक्षा कराएगा और इसमें 2021 की जो है प्री एग्ज़ाम भी शामिल रहेगी। तो याद रखिए, सितंबर में नेशनल लेवल की कई प्रतियोगिता परीक्षाएँ आयोजित होती है, इसलिए जो है अभी जो है कैलेंडर नया जारी करेगा PSC। इसमें देखो, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सितंबर में होगी सबसे कम परीक्षाएं, क्योंकि सितंबर में जो है नेशनल लेवल की एग्ज़ाम्स होती है, दिसंबर तक 90% परीक्षा की तैयारी करने का आयोग का जो है प्लान है पूरा सा। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आयोग ने बताया है कि इन परीक्षाओं का यहाँ पर आयोजित हो सकता है। इस बार राज्य सेवा परीक्षा 2020 जो है अगस्त में होना थी, अब नवंबर में हो पाएगी, रिजल्ट जनवरी 2022 में आ पाएगा। फॉरेस्ट सर्विस की मुख्य परीक्षा यहाँ पर हो सकती है। अगला जो यहाँ पर है, राज्य सेवा परीक्षा 2021 भी होना है, प्रीलिम्स परीक्षा जो है यहाँ पर हो सकती है ना। उसके बाद फॉरेस्ट MP फॉरेस्ट सर्विस परीक्षा 2021 यहाँ पर हो सकती है, तो याद रखिए। इसके अलावा जो अगले परीक्षा, इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम यहाँ पर हो सकती है। अगले है असिस्टेंट मैनेजर की परीक्षा जो है ये भी आने वाली है, तो आप इन सभी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, जो जो भी आप तैयारी का कर रहे हैं। PSC मुख्य का ऑन स्क्रीन मूल्यांकन शुरू, रिजल्ट अगले माह है ना। मुख्य परीक्षा का भी जो है मूल्यांकन चालू हो गया है, ऐसे हो रहा है मूल्यांकन, डिजिटल उत्तर पुस्तिका बनाकर उसका कंप्यूटर स्क्रीन पर मूल्यांकन किया जा रहा है। याद रखिए, जो जितनी भी जो उत्तर पुस्तिकाएँ हैं उन सबको डिजिटल बनाया जा रहा है और उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके लिए मूल्यांकनकर्ता को उसका गोपनीय जो है ऑनलाइन ही उसका जो है पासवर्ड दिया जाएगा, तो पूरा आप इस पर देख लीजिए। तो बिल्कुल तैयार रहिए दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में एग्ज़ाम्स आपकी आ सकती है, तो ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है आप लोगों के लिए। तो आप अपनी तैयारी जो है बिल्कुल जारी रखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।